इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया टी20 सीरीज में 2-1 से। अब बारी है टी20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी परीक्षा की वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहला टी20 मैच खेला जाएगा 28 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में, अगला मैच होगा गुवाहाटी में और आखिरी मैच होगा इंदौर में। फिर उसके बाद ओडीआई सीरीज खेलेंगे टीम इंडिया को वर्सेस साउथ अफ्रीका। पर टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए सभी की नजरें टिकी होंगी इस टी20 सीरीज पर। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आ रहे हैं तो साउथ अफ्रीका भी किसी से कम नहीं है, वो भी आयरलैंड और इंग्लैंड को हरा कर आ रहे हैं। तो ये सीरीज रहेगी एक्शन पैक्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के 3 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कौन है इस टी20 सीरीज में। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्विंटन डिकॉक, साउथ अफ्रीका की गाड़ी को आगे बढ़ाने में जो पहला गेयर लगाते हैं वो है क्विंटन डिकॉक। टीम के लिए ओपनिंग करते हैं, साउथ अफ्रीका के लिए कई मैच विनिंग इनिंग्स खेल चुके हैं, इनके पास काफी लेथ है, ये टीम को सिंगल हैंडेडली जीत ला सकते हैं। अगर इनका टी20 का रिकॉर्ड देखें तो 69 मैचेस में इनके नाम है 1894 रन, एवरेज है 31.04, स्ट्राइक रेट है 133.38। अगर क्विंटन डिकॉक वर्सेस इंडिया टीम को अच्छी शुरुआत दिलाते हैं तो मिडिल ऑर्डर का काम आसान होगा, जिससे इंडियन बॉलर्स पर प्रेशर पड़ेगा। पर लास्ट के 5 मैचेस का इनका रिकॉर्ड देखें तो वो कुछ इतना खास नहीं रहा। परफॉर्मेंस टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, सिर्फ एक इनिंग्स लगती है और आप फॉर्म में कम बैक कर जाते हो, ये हम देख चुके हैं विराट कोहली और बाबर आजम के साथ। अनक्वेश्चनेबली क्विंटन डिकॉक टीम इंडिया के लिए इस सीरीज में बड़ा खतरा बन सकते हैं। एडन माक्रम, इनकी जितनी तारीफ करें उतना कम, ही हैज ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स। टी20 रैंकिंग्स में ये नंबर 2 पर हैं। अगर शुरुआत में कोलैप्स होता है तो उनके पास एबिलिटी है, ये इनिंग्स को स्टेबल कर सकते हैं और बॉल को बाउंड्री के पार कैसे पहुंचाना है ये भी इन्हें अच्छे से आता है। अगर इनका टी20 का रिकॉर्ड देखें तो 23 मैचेस में इनके नाम है 722 रन, एवरेज है 42.47 का, स्ट्राइक रेट है 152.64। लास्ट के 5 टी20 मैचेस में इनके नाम है 3 हाफ सेंचुरीज और अगर टीम को बॉलिंग से जरूरत है तो ये वहां पर भी टीम के काम आ सकते हैं। अभी टीम इंडिया की बॉलिंग का हाल बेहाल है तो एडन माक्रम के पास एक बेहतरीन मौका होगा गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने का। आनरिक नोकिया, टीम इंडिया के इनफॉर्म बैटिंग ऑर्डर पर लगाम लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आनरिक नोकिया पर। ये जानते हैं अच्छे से अच्छे बैटिंग ऑर्डर की बैकबोन को किस तरह से तोड़ने, पावर प्लेस हो, डेथ ओवर्स हो, ये हर जगह सामने वाली टीम के लिए खतरे की घंटी साबित होते हैं। इनके पास पेस है, लाइन लेंथ है, ही इज अ कंप्लीट मैच विनर। 22 टी20 मैचेस में इनके नाम है 23 विकेट्स, इकॉनमी रेट है 7.11 का। लास्ट के 5 टी20 मैचेस में इनके नाम रहे 5 विकेट्स और इकॉनमी रेट कमाल का है। ये बेताब होंगे इंडियन बैटर्स को फेस करने के लिए, पर इंडिया के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि बड़े टूर्नामेंट से पहले इन्हें मौका मिलेगा आनरिक नोकिया को फेस करने का। तो ये थे 3 प्लेयर्स जो हमें लगता है टीम इंडिया की नाक में दम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इस लिस्ट में किसी और का नाम होना चाहिए था तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करने से बिल्कुल मत शर्माना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचे सबसे पहले बिना किसी स्पीड ब्रेकर के। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो फेसबुक पर तो लाइक करना हमें, अगर आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पर तो फॉलो करना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। और आपको अपडेट्स का एक और जरिया बताओ, टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो करो। फिर देखो मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।